हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बताने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका टॉपिक है पदार्थ किसे कहते हैं और प्राचीन भारतीय ग्रीक दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ कितने तत्वों से मिलकर बने हैं, पदार्थ का भौतिक स्वरूप और पदार्थ कितने छोटे होते हैं, इसके बारे में ये चार टॉपिक बताएंगे। पहला है पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ का डिफिनेशन या पदार्थ किसे कहते हैं या पदार्थ की परिभाषा दे, ये तीनों क्वेश्चन एक तरीका का ही होगा। तो प्रत्येक वस्तु जो जगह छेकता है जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पदार्थ किसे कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो जगह छेकता हो जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है। जगह छेकता है, ये बात तो समझ में आता है कि किसी भी चीज को कहीं रखते हैं तो वो जगह छेकता है, और जो जगह छेकता है उसमें द्रव्यमान होगा ही और आयतन होगा ही। उसके बाद अवरोध उत्पन्न करे, अवरोध का मतलब होता है कि रुकावट उत्पन्न करे। जैसे किसी को हम धक्का देंगे तो कोई वस्तु, किसी वस्तु को या किसी पदार्थ को क्या करेंगे, धक्का देंगे तो वो भी हमें धक्का देगा एक तरह। इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होती है। उसी तरह से अगर हम किसी को धक्का देंगे तो क्या होगा, वो भी हमें धक्का देगा। तो क्या जगह पदार्थ का डेफिनेशन, पदार्थ किसे कहते हैं। तो कोई भी वस्तु जो जगह छेकता है जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट है, एक नोट है, प्रत्येक वस्तु जिसे क्या कर सकते हैं, अनुभव करते हैं, फील, जिसको स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, टच और देख सकते हैं, लुक या से, इसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ कितने तत्वों से मिलकर बने हैं। तो प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ जो है ये पांच तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन ये जो पांचों तत्व है ना, ये प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिकों के अनुसार है, लेकिन अभी के वैज्ञानिक इसको क्या कहते हैं, ये तत्व तो नहीं है, ये क्या है, यौगिक है। क्या है, यौगिक है। क्षिति, जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये पांचों क्या है, यौगिक है। तो प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ जो है ये पांच तत्वों से मिलकर बने हैं, क्षिति, जल, अग्नि, हवा, आकाश। नेक्स्ट, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, आप बताना कि पदार्थ के भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे निरंतर गतिशील होते हैं। तो पदार्थ के क्या होता है, कणों से मिलकर बने होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण जो है ये निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल होता है। तो इसका डिफिनेशन या परिभाषा क्या करेंगे, लिखेंगे पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट अगले वीडियो में।